देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर की अगर बात की जाए तो शहर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही स्वच्छ भारत की पोल खुलती नजर आ रही है। ये बात नगर परिषद कार्यालय से बिलासपुर शहर की सब्जी मंडी और मीट मार्केट से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है, जहां आपको जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई देंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से यहाँ कूड़े के ढेर देखते आए हैं, मगर आज तक नगर परिषद ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। देवभूमि हिमाचल के बिलासपुर शहर में अगर बात की जाए तो शहर में महज 100 मीटर की दूरी पर स्वच्छ भारत की पोल खुलती नजर आ रही है। ये बात नगर परिषद कार्यालय से बिलासपुर शहर की सब्जी मंडी और मीट मार्केट से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है, जहां आपको जगह जगह पर कूड़े के ढेर दिखाई देंगे। कूड़े कचरे के ढेर से आ रही बदबू के चलते यहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया है, साथ ही शहरवासियों को बीमारी का खतरा भी मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से यहां कूड़े का ढेर देखते आ रहे हैं, मगर आज तक नगर परिषद ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। बरसात का मौसम शुरू हो गया है और डेंगू जैसी बीमारियों का फैलने का खतरा बना हुआ है। शहर के अंदर ही है और ये गंदगी मेरे को 4-5 साल हो गए देखते हुए, ऐसी की ऐसी है। यहाँ पे कोई भी सफाई का कोई प्रावधान नहीं है और ये नगर परिषद का एरिया है, इनकी ड्यूटी है इसको साफ करना। बिल्कुल जल्दी सफाई करवाई जाए इसकी, अदरवाइज डेंगू फैलने का खतरा है, बरसात आ रही है ऊपर से। आपको बता दें कि पिछले साल बिलासपुर को डेंगू ने जकड़ लिया था और काफी मामले डेंगू के बिलासपुर में आए थे, जिसका कारण गंदगी माना गया था। बिलासपुर में गंदगी को देखकर ऐसा लगता है कि बिलासपुर में कोई भयंकर बीमारी फैलने का डर है, अगर समय रहते सफाई कार्रवाई नहीं करवाई गई तो। स्थानीय जनता ने जल्द से जल्द सफाई की उचित व्यवस्था किए जाने की नगर परिषद के आला अधिकारियों से अपील की है। इस समस्या के संबंध में जब जिला परिषद बिलासपुर की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी बालिया से पूछा गया तो उन्होंने गंदगी के पीछे सब्जी मंडी के दुकानदारों और जनता को दोषी करार दिया। साथ ही उन्होंने इस विषय के समाधान के लिए पूरे इलाके में 6 फीट लंबी वायर फेंसिंग लगाने की बात कही और कहा कि किसी के द्वारा गंदगी फैलाई जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस जो एरिया है इसको फेंस करने का निर्णय नगर परिषद द्वारा लिया गया है। इस एरिया को 6 फीट की वायर मैश लगा के फेंस कर दिया जाएगा और इसके टेंडर भी हमने कर दिए गए हैं और अवार्ड भी कर दिया और ठेकेदार को निर्देश भी दे दिए हैं कि वो वहाँ पर तुरंत प्रभाव से जो है वहाँ पर वायर मैश लगाए, ताकि जो लोग गंदगी फेंकते हैं और वहाँ से फेंकना बंद हो जाए। और भविष्य में अभी हमने उनको एक लेटर भी जारी कर दिया है सब्जी मंडी को, कि वो अपने सब्जी मंडी के जो दुकानदार उनको कहें कि वो कचरा नगर परिषद को ही दें और उड़े भरे ना फेंकें। और किसी तरह का और भी अन्य मटेरियल अगर डेंजरस हैजार्ड बेस्ड इस तरह का है या कोई अथर्मो कोल इत्यादि गत्ते इत्यादि हैं, वो भी नगर परिषद को ही हैंड ओवर करें, ताकि हम जो उसका सही निष्पादन कर सकें। ये डायरेक्शन ऑलरेडी दी जा चुकी हैं और हमने कार्रवाई भी की है, और अगर वो नहीं इसके बावजूद मानते हैं तो अब उनका जो है चालान किया जाएगा। वक्त तो चले, छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।